गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट क्लास में हमने आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज देखा था, यानी कि एक आइडियल गैस में एंट्रोपी चेंज कितना होगा जब भी हीट का इमिशन या अब्जॉर्प्शन होगा रिवर्सिबली, तो उस आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो हमने देखा था कि डेलस इजिकल टू क्या होता है, डेलस इजिकल टू होता है एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई टी वन। और अगर प्रेशर के सेंस में लिखे तो एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन माइनस एन आर एल एन वी टू बाई टी वन। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो देखिए, अगर हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो ये वाली टर्म आउट हो जाएगी, यानी ये वाली टर्म हटा सकते हैं, तो ये बचेगी, यानी कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जो एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या आएगा, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। इसी तरह से जैसे कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात करें तो ये वाली टर्म हटा देंगे तो ये वाली बचेगी, यानी डेल एस पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। यानी आइडियल केस के लिए अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर या कॉन्स्टेंट प्रेशर पर एंट्रोपी चेंज देखें तो क्या आएगा अपने पास, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर एंट्रोपी चेंज ये आएगा और कॉन्स्टेंट प्रेशर पर एंट्रोपी चेंज ये आएगा। आज हम बात करेंगे कि आइडियल केसेस को अगर मिक्स कर दिया जाए तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। यानी आइडियल गैसेस को मिक्स कर दिया जाए तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो वी नो दैट डीएस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। यानी जब भी किसी गैस के द्वारा रिवर्सिबली रूप से जो हीट का अब्जॉर्प्शन या इमिशन किया जाता है और गिवन टेम्परेचर, उसका रेशियो क्या कहलाता है, एंट्रोपी चेंज अकॉर्डिंग टू फ्लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी प्लस डी डब्ल्यू और डेल ई अपॉन डेल टी। कॉन्स्टेंट बी पे हम क्या लिखते हैं, सीवी। सो डी इक्वल टू क्या होगा, सीवी डी टी और डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पीडीवी होता है। तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, सीवी डी टी प्लस पीडीवी। इसको यहां पे पुट करेंगे तो डीएस इक्वल टू क्या आएगा, सीवी अपॉन टी डी टी प्लस पी अपॉन टी डीवी। फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल टू आर टी, तो पी अपॉन टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर अपॉन वी आएगा। तो आर अपॉन वी यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, डीएस इक्वल टू आ जाएगा सीवी टी डी टी प्लस आर अपॉन वी डीवी। ये बात हम एक मोल गैस के लिए लिखते हैं, ये हमने जब लास्ट लेक्चर में हमने ये आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज निकाला था तब मैंने आपको ये सारा बताया था। ठीक है, यानी एक मोल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज ये लिखते हैं। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो मान लीजिए सीवी कांस्टेंट है, सीवी को कांस्टेंट मानते हुए इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो आएगा एस इक्वल टू सीवी एल एन टी प्लस आर एल एन वी प्लस एस नोट। एस नोट क्या है, इंटीग्रेशन कोफिशियंट है। हियर एस नोट इज इंटीग्रेशन कोफिशियंट। सीवी इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट सीवी सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। सो सीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीपी माइनस आर। तो एस इक्वल टू लिखेंगे सीपी माइनस आर एल एन टी प्लस आर एल एन वी प्लस एस नोट। फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल टू आर टी, तो वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर टी बाई पी। तो एस इक्वल टू होगा सीपी एल एन टी, इसको अंदर इंटू कर देते हैं, सीपी एल एन टी माइनस आर एल एन टी प्लस आर एल एन आर टी अपॉन पी प्लस एस नोट।
यानी S इक्वल टू क्या लिखूंगी, Cp ln T माइनस R ln T। और ये देखिए जब ln के ब्रैकेट में A गुना V अपॉन C है तो हम क्या लिखते हैं, ln A प्लस ln B माइनस ln C, यानी कि जो इनटू वाला है वो प्लस में आ जाता है और जो डिवाइड में वो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, R ln T प्लस ये R ln T आ गया, अब R ln T प्लस R ln R माइनस R ln P प्लस S। अब देखिए ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp ln T प्लस यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख देते हैं माइनस R ln P प्लस R ln R प्लस S नोट। ये दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम एक न्यू कांस्टेंट मान लेते हैं S नोट डिस। तो क्या लिखेंगे, S इक्वल टू लिखेंगे Cp ln T माइनस R ln P प्लस S नोट डिस। ये कोई भी आइडियल गैस है, मान लीजिए वो n मोल एक मोल आइडियल गैस है, उसके लिए क्या है, उसके लिए उसकी एंट्रोपी आ गई। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या किया, अलग अलग आइडियल गैस लिए जिसके मोल है n1 n2 n3, उन गैसेस को मिक्स कर दिया गया। तो मिक्स करने के बाद उनका जो पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर है वो मान लीजिए p1 है p2 है p3 है। सो वो जो मिक्सर अपने को मिला उसकी एंट्रोपी, सो एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर यानी उन गैसेस को मिक्स कर दिया गया तो उनकी जो एंट्रोपी होगी वो हम क्या लिखेंगे, S इक्वल टू पहले n1 गैस है मान लीजिए n1 Cp ln T माइनस R ln, पहली गैस है उसका पार्शियल प्रेशर P1 है S नोट डेस प्लस इसी तरह से दूसरी गैस Nn Cp n2 Cp ln T माइनस n2 R n1 R n2 R ln P2 प्लस S नोट डेस, इस तरह से लिखेंगे। तो S इक्वल टू क्या आ गया, समेशन n Cp ln T माइनस R ln Pi प्लस S नोट डेस। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वी नो दैट पार्शियल प्रेशर P इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल भी। तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन n Cp ln T माइनस R ln P इनटू x प्लस S। तो S इक्वल टू हो जाएगी समेशन n Cp ln T माइनस R ln P माइनस R ln X X I होगा क्योंकि मान लीजिए ये पार्शियल प्रेशर टोटल जितनी भी गैसेस अपन ने मिक्स किया उसका उनके पार्शियल प्रेशर है तो टोटल प्रेशर उनके मोल में X I प्लस S। ये क्या आ गई अपने पास, मिक्सर की एंट्रोपी आ गई, जो आइडियल गैसेस का अपन ने मिक्सर बनाया है उसकी एंट्रोपी। अब हम एंट्रोपी चेंज देखते हैं, यानी कि एंट्रोपी चेंज का मतलब ये है कि जो आइडियल गैसेस अपन ने मिक्स किए तो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना है उसकी एंट्रोपी में क्या चेंज आया, तो वो हम कैसे निकालेंगे, यानी डेलस मिक्स कैसे निकलेगा, डेलस मिक्स निकलेगा एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर यानी कि मिक्सर जब बन गया है तो उस टाइम उस मिक्सर की एंट्रोपी कितनी है, यानी जो गैसेस मिक्सर है उसकी एंट्रोपी कितनी है एट गिवन प्रेशर P माइनस माइनस क्या करेगी, जो जितनी भी गैस अपन ने मिक्स किए है उन गैस का हम पर्टिकुलर जो एंट्रोपी देखेंगे तो माइनस उन पर्टिकुलर एंट्रोपी का योग करेंगे एडिशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैसेस एट गिवन प्रेशर पी। तो डेलस मिक्स इक्वल टू मिक्सर की एंट्रोपी क्या आएगी, समेशन एन सीपी
एल एन टी माइनस आर एल एन पी माइनस आर एल एन एक्स आई प्लस एस नोट माइनस अब मान लीजिए जो गैसेस अपन ने मिक्स की हैं यानी कि उनके मोल कितने हैं एन है यानी कि एन वन एन टू एन थ्री की जितनी भी गैसेस अपन ने मिक्स किए उनके टोटल मोल कितने हैं एन है तो समेशन एन और एक पर्टिकुलर गैस की एंट्रोपी क्या होती है पर्टिकुलर गैस की एंट्रोपी मैंने आपको अभी बताई थी एस इक्वल टू क्या बताया था मैंने सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस नोट डेस यानी एक पर्टिकुलर गैस की एंट्रोपी मैंने ये बताई थी आपको। अब हमने मान लिया कि जो गैसेस है एक पर्टिकुलर दो गैसेस है मतलब दो आइडियल गैसेस है तो एक आइडियल गैस की एंट्रोपी ये होगी और दूसरी आइडियल गैस की एंट्रोपी ये होगी बस ओनली क्या हो जाएगा उसके ये मोल जुड़ जाएंगे तो पर्टिकुलर गैस की एंट्रोपी यहाँ लिखेंगे तो एन वन एन टू एन थ्री जितने भी गैसेस के मोल है वो अपन ने मान लिए कि जितनी भी गैसेस हैं उनके टोटल मोल कितने हैं n तो समेशन n और एक पर्टिकुलर गैस की एंट्रोपी क्या लिखेंगे सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस नोट डेस ठीक है यही लिखेंगे यानी कि जितने भी गैसेस के टोटल मोल थे उनसे एक गैस की एंट्रोपी को इंटू कर दिया जिससे क्या आ गई उन टोटल गैसेस की एंट्रोपी का क्या आ गया योग आ गया अपने पास तो अब देखिए सी पी एल एन टी ये कैंसिल आउट हो गया किससे सी पी एल एन टी से इसी तरह से एल एन पी हो गया इससे और क्योंकि ये जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये वाला जब माइनस अंदर जाएगा तो ये इसको क्या कर देगा प्लस तो ये प्लस और ये माइनस और ये वाला ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस यानी डेल एस मिक्स के आ गया समीशन एन और क्या गया माइनस आर एल एन एक्स तो आर कांस्टेंट है बाहर रख देते हैं माइनस आर एल एन एक्स यानी एंट्रोपी चेंज क्या गया अपने पास डेल एस मिक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस आर समीशन एन एल एन एक्स आई ठीक है तो अब देखिए इसको हम एक अदर तरीके से लिख सकते हैं कैसे देखिए एन इज इक्वल टू हम क्या मान रहे हैं एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री यानी जितनी भी गैसेस मिक्स कर रखी हैं उनके टोटल मोल कितने हैं एन है तो हम लिख सकते हैं एन वन बाई एन प्लस एन टू बाई एन प्लस एन थ्री बाई एन इक्वल टू वन यानी एन को मैं अगर इधर ले जाऊं तो इसका वैल्यू वन आ जाएगा कैसे क्योंकि ये क्या है मोल फ्रैक्शन है पर्टिकुलर गैस का जो मोल फ्रैक्शन है तो टोटल मिक्सचर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं उन गैसेस के टोटल के अगर मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास वन आएगा यानी कि वन एन वन अपॉन एन को क्या लिख सकती हूँ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इस तरह से ठीक है यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा एक्स आई यानी कि टोटल मोल फ्रैक्शन कितने आगे एक्स आई आगे एक्स टू प्लस एक्स थ्री ठीक है तो हम n की जगह क्या लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं सो डेल एस मिक्स इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस आर समेशन एक्स आई एल एन एक्स आई ये क्या आ गई आइडियल गैस की मिक्सचर की एंट्रोपी हो गई ये भी लिखो या ये ठीक है तो देखिए ये जो जब भी आइडियल गैसेस को मिक्स करें तो ये एंट्रोपी चेंज जो आएगा वो क्या आएगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ठीक है तो डेलस मिक्सिंग की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव होती है क्योंकि ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी और ये ओवरऑल क्या है पॉजिटिव वैल्यू आएगी आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट क्लास में ठीक है यानी मिक्सिंग की एंट्रोपी हमने क्या निकाली आइडियल गैसेस को अगर मिक्स करेंगे तो डेल एस मिक्स इज इक्वल होगा माइनस आर समेशन एन एल एन एक्स आई या फिर इसको लिखें डेल एस मिक्स इज इक्वल होगा माइनस आर समेशन एक्स आई एल एन एक्स ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू